आप देख रहे हैं केवल सच। देश में गौ पूजा होती है, हमारे देश में पेड़ों की पूजा होती है, वाहन पूजा होती है और यहाँ पंडितों की पूजा होती है। सभी पासे हैं, वाहन पूजो, पेड़ पूजो, हम नीम पूजते हैं, हम तुलसी पूजते हैं, हम नदियों को मां करते हैं। मामला इस देश की संस्कृति जैसी कहीं संस्कृति नहीं है, इस देश का धर्म जैसा कहीं धर्म नहीं है। और हमारे ही देश के लोग, जिम्मेदार लोग, ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, ऐसे लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? आम लोगों में क्या संदेश जाएगा? आप भ्रम फैला रहे हो, समाज में बंटवारा करना चाहते हो, देश को बांटना चाहते हो। देश को एक अच्छी सरकार की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अनावश्यक लोग इस तरह की अनावश्यक बातों में समाज को उलझा देंगे तो हम नफरत की आग में चलेंगे, हमारा विकास नहीं विनाश होगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हमारी संस्कृति छोटी हो जाएगी, हमारी महिमा चल हो जाएगी। हम बताएं भगवान, हमारा भारत सब गलत है जी। तो इस प्रकार से एक अच्छे पद पर रह करके जी, हमारा भारत महान है, हमारी निंदा की है, हमारे भारत और युवाओं का देश है, अधिकार है, हमारे भारत विकास का अवसर है। आज हम स्वर्णिम भारत शरीर जा रहे हैं, हर चीज हम अपने कदम पर खड़े हैं, जाति सभी और ये वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से कोई ऐसा आदमी नहीं है। आज भी बयान देते हैं तो कहते हैं मैं चूहा का शौच जाने के बाद और बिना हाथ धोए ऐसी हुआ है खान पान कर सकता जी। ये हमारा धर्म है, तो इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। और रामचरित मानस इसलिए जो विश्व में विख्यात है, वाल्मीकि रामायण जो विश्व में विख्यात है, उसकी इन्होंने घोर निंदा की, ब्राह्मणों का अपमान किया, सभी ब्राह्मण बताए जन्मना जाए थे शुद्र संस्काराध्य जा जाते संस्कार से जो युक्त है। बताइए ब्राह्मण उनको भी बताते हैं कि अपने धर्म पर चलो, अपने नियम पर चलो। आज किसी के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया है और जीतन राम जी की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि या तो इन्हें आप हटाएं और नहीं तो आप स्वयं गति को समाप्त करके पार्टी से निकाल देने की आवश्यकता है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विभाजन हर प्रकार का विभाजन से यह राज्य विभाजन जी। इसीलिए आज यह धरना आयोजन किया गया। थैंक यू सर, ठीक है, धन्यवाद जी। सर आज आप लोग धरना पे बैठे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्यों धरना पे बैठे हैं? निर्देशित किया जा रहा है सरकार से, जो मांग है कि हम लोग ब्राह्मण लोग ना तो किसी का तिरस्कार करते हैं और ना खुद का तिरस्कार पाना चाहते हैं। हम लोग लोगों का सम्मान करना जानते हैं और समाज का उत्थान के लिए हर सतत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन नेताओं को जो दिल में आता है बोल देते हैं। इससे पूर्व 95 के समय में लालू यादव ने जिस तरह से बोला था, पोथी पतरा जला भूरा बाल साफ करो, आज उनका सफाया हो रहा है, यह एक प्रमाणिकता है। अगर इतना के बावजूद अगर किन्हीं नेता को समझ में नहीं आ रहा है तो वह दिन दूर नहीं, यह भी आपको देखने को मिलेगा। यह जो मांझी जी जिस तरह से आज बयान दिए हैं, वह इनका भी दुर्दशा यही होने वाला है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, अपने जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उस समय में अपने समाज का इन्होंने उत्थान के लिए क्या सोचा, क्या किया? जब उस समय इन्होंने सोचा नहीं, आज जब शक्ति चली गई है तो इस तरह से अपने समाज को छोड़कर, अपने समाज की उन्नति के बारे में सोच छोड़कर ये दूसरे समाज में जाकर इस तरह का नापसना बयान दे रहा। पूजा करना न करना यह धार्मिक शब्द है, यह श्रद्धा का विषय है। जो करना चाहते हैं करें, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं किसी को कोई दबाव नहीं रहता है। आज हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी राम पर ये बयान दे रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के कथना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे आज वहाँ बड़ी मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद इनको नहीं पड़ रहा। हमारे कुछ दूसरे समुदाय के लोग इसको प्रमाणिकता मांगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी भी प्रमाणिकता दी गई और वहाँ से डिसीजन भी हम लोग को मिल गया। इसके बावजूद अगर यह इस तरह का बयान देते हैं तो हम ब्राह्मण लोग अगर किन्हीं का शादी कराना जानते हैं तो किन्हीं का श्राद्ध भी कराना पूरी तरह से वाकिफ है। पर
परशुराम परशुराम के वंशज भी हम लोग ही है। क्षत्रियों का उस समय उद्धार हुआ था, अब ऐसे अधर्मियों का नाश करने के लिए नीति अपनाई जाएगी या हिंसा से प्रारंभ हो रही है या रुकेगी नहीं, या तो सभी लोग इस पर बोलना बंद करें, नहीं तो इसका विरोध हम भारत के हर क्षेत्र में करने को तैयार है और अग्रसर है। क्या है विचार जरूर करना चाहिए नीतीश जी। थोड़ा सर थोड़ा सा वकील साहब जी सर एक सेकंड जरा सर नाम बता दीजिएगा वकील सर पर्चे देते हुए जरा बताएं सर आज धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठे हुए हैं क्या मामला है सर और क्या सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी ने जिस तरह का बयान दिया है हमारे इष्ट देव सत्यनारायण के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों को हरामी कहा है और इस तरह का बयान कि हम निंदा करते हैं, हम हिलसा अधिवक्ता संघ में अधिवक्ता का कार्य करते हैं, मैं अधिवक्ता हूं लगभग 20-22 वर्षों से और मुझे इस बयान से आहत पहुंचा है, मैं मर्माहत हूं इससे और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में भी इन्होंने भगवान रामलला का काफ़ी अपमान किया, रामायण का अपमान किया, गीता और पुराण का अपमान किया। ऐसे लोग समाज को बांटना चाहते हैं, समाज में विकृतियाँ फैलाना चाहते हैं, समाज में इस प्रकार के बयान से नफरत फैलता है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून के मुलाजिम हैं, कानून का राज है, कानून सर्वोपरि है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज है। धर्म का मानना न मानना अपने मन मिजाज पर निर्भर करता है, किसी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसके लिए धरना पर बैठे हैं। सरकार से यह मांग रखते हुए कि इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी वह अपने प्रतिनिधि को करने से रोकें, टोकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी सदस्यता समाप्त करें, उन पर प्राथमिकी दर्ज करें, चूँकि यह बार बार उनके द्वारा किया जा रहा है, पुनरावृत्ति है, एक बार नहीं कई बार, इससे जाहिर होता है कि वह जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं।